अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम द टीचर ऑफ क्लास 6 ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट फ्रॉम सुपीरियर मॉडल स्कूल। टुडे इज आवर लेक्चर नंबर इज 8 फॉर फाइनल टर्म। क्लास यूनिट नंबर 10 जो है ना, हम काम कर रहे हैं उस पर। कल हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे, 3 क्वेश्चन आंसर्स किए थे, बाकी के क्वेश्चन आंसर्स हम आज करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज यूज्ड इन द प्रिंटिंग प्रोसेस। व्हाट इज यूज्ड इन द प्रिंटिंग प्रोसेस, आंसर इज 27 केमिकल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द अजरक मेकिंग, प्रिंटिंग इज डन बाय हैंड विद वुडन ब्लॉक्स। नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पेस्ट फॉर प्रिंटिंग मेड ऑफ, एंड द आंसर इज द पेस्ट फॉर प्रिंटिंग इज मेड ऑफ राइस, एसेशिया गम एंड लाइम। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, सब गौर से सुने। What is used in the printing process? The answer is 27 chemicals are involved in the ajrak making. Printing is done by hand with wooden blocks. Number question 5 is what is the paste for printing made of? The paste for printing is made of rice, acacia gum and lime. Class, ye the hamare question answers jo hai complete hue. आज मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ जो आपने करना है, ठीक है। सो ओपन द बुक, पेज नंबर इज, क्लास ओपन द बुक, पेज नंबर इज 69। उसका क्वेश्चन है डी, एक्सरसाइज डी। आपने क्या करना है, अच्छी तरह आप लोग जानते हैं कि हम जो है, जब हम आपको होमवर्क मिलता है तो आप किस तरह करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूनिट नंबर 10 लिखेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज डी, पेज नंबर 69, और फिर इसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे री राइट द सेंटेंसेज गिवन बिलो यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। अब यहाँ पे जो इन्होंने 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, नंबर 1 है द प्रिंटर डिप्स हिज ब्लॉक इन द पेस्ट, नंबर 2 द स्टैचू ऑफ द किंग प्रीस्ट वॉज एक्सक्यूटेड एट मोहनजोदड़ो, नंबर 3 द कलर्स इन द अजरक आर इंडिगो रेड ब्लैक एंड वाइट, एंड नंबर 4 इज़ द मटीरियल इज़ वॉश्ड इन द रिवर। इसमें हमें कहीं पे भी ना कोई कॉमा नज़र आ रहा है, ना स्टार्ट में कैपिटल लेटर नज़र आ रहा है, ना एंड में फुल स्टॉप नज़र आ रहा है। आपने इस काम को जो है ना दोबारा से करना है, यानी पहले आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका जो राइट आंसर होगा, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट में जो है क्वेश्चन सॉरी फुल स्टॉप लगाएंगे, तो ये काम आपने दोबारा करना है। एक लाइन ये वाली बुक वाली और एक लाइन जो सही आंसर होगा वो, फिर एक सेकंड ये, फिर आंसर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर आंसर। तो इस तरीके से आपने ये काम करना है, अपना होमवर्क करना है, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।